स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होने वाली है, लेकिन इनकी शादी में भी होने वाला है खूब सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अक्षरा की शादी का लहंगा हो जाता है गायब, जिसे लेने के लिए अभिमन्यु पहुंचता है मंदिर, जिस मंदिर के सामान के साथ गया था अक्षरा का लहंगा। यहाँ पर आरोही भी पहुंचती है, दोनों ही उसका लहंगा ढूंढ रहे हैं। तो दूसरी ओर बिरलास को पता चल गया है कि अभिमन्यु खुद अपनी अक्षरा का लहंगा लेने के लिए गया है, और एक बार फिर से बिरलास गोयनकास को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे कि उन्होंने तो खुद दुल्हे को ही भेज दिया, जाने को और भी कोई जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये बात जरूरी नहीं समझी। वेल, अभिमन्यु और आरोही को शादी का लहंगा तो मिल जाएगा, लेकिन दोनों के सामने इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो मेन रास्ता है रिजोर्ट तक पहुंचने का, वो बंद होगा। दोनों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। ये बात जब सबको पता चलेगी कि वो इकलौता रास्ता यहाँ तक आने का है और वो ही आज बंद होना था, तो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इन्हीं सब के साथ आप देखेंगे कि अब दादी ये कहते हुए नजर आएगी कि ये ही जयमाला का शुभ मुहूर्त है, इसी वक्त पर जयमाला होनी चाहिए थी। वर्ल्ड शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि यहाँ पर अक्षरा पहुंचेगी हॉट एयर बलून में और अभिमन्यु को माला पहनाते हुए नजर आएगी, लेकिन एक बार फिर से ये दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जी हाँ, जब हवाएं बहुत तेज होंगी और दोनों ही उस बलून में फंसते हुए नजर आएंगे। शो के अपकमिंग ट्रैक में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी ये शादी कैसे पूरी होगी। शादी से पहले ही हो रहे हैं इतने सारे ड्रामे, आ रही है कोई ना कोई अड़चन, तो अभिमन्यु और अक्षरा अपनी शादी को कैसे पूरा करेंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।